काल के गुलामी मेरे काम आ रही है। और ये भाई आज है योगा डे, तो मैंने सोचा था जल्दी उठ जाऊंगा और योगा करूंगा। और आज दिन के बज गए कितने, 11:41। मेरे साथ ही ऐसा होता है या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जिस दिन जल्दी उठना चाहूँ उस दिन और ज़्यादा लेट हो जाता हूँ? यार मैं सोच रहा योगा करूँगा। आप लोगों में किस किस ने योगा कर लिया कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। और यार क्या बताऊँ, इतना लेट हो गया, अब तो धूप निकल आई होगी, कौन योगा करे। पेट्रोल इतनी महंगी है फिर भी इतनी लाइन लगी रहती है, पेट्रोल किसी भी पेट्रोल टंकी पे जाओ लाइन तो इतनी लगी रहती है, पता नहीं क्या ही है। और आज अपनी गाड़ी पिएगी पेट्रोल, कितना पिएगी देखते हैं। 300 का तेल पीने के बाद आधी सुई उठी है, आधी ही पेट्रोल। क्या यार कितनी पेट्रोल महंगी हो गई है भाई। और धूप का तो देख लो कितनी धूप है भाई, बादल तो बड़ा अच्छे लग रहे हैं। कब बारिश हो जाए, कभी भी बारिश हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा। लखनऊ की पहली बारिश, कितनी हल्की हल्की है। अब आपने बोल दिया तो होगी नहीं बारिश, पहले बारिश हो रही थी। हाँ यार बारिश अच्छी खासी हो रही थी, पर भाई की स्माइल देख के बारिश बंद हो गई। भाई क्या कहना चाहेंगे भैया? शुरू हो चुकी है लखनऊ में पहली बारिश, देख लो कितनी तेजी से बारिश हो रही है भाई, क्या बारिश हो रही है यार। मौसम साफ है और तापमान में भी काफी, टेम्परेचर काफी गिर गया। तो गाइस यहाँ बैठा था मैं तो, और यहाँ हो गई बहस प्राइवेट चीजें और तगड़ी वाली भी चेंज कर सकता है उसमें, स्टेडियम का नाम। और बाकी चीजें बदली नहीं जा रही है, अलाहाबाद का नाम प्रयागराज था, अब उसको दोबारा किया गया है। मोदी जी बुला ले, जब उनसे विरोध करेंगे तभी तो मोदी जी उनको बुलाएंगे। तो भाई बहस थोड़ी कम हुई है और पता नहीं किस किस मैटर पे बहस करते, कुछ पता तो है नहीं इन लोग को, बहस किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं। ये देखो अनिकेत के लेक्चर सुनो, ये वापस अग्नि पर वापस होगा तो मान के चलो, लिख लो अगर किसान बिल में प्रॉब्लम क्या मंडी खत्म होती है, किसान अपनी मार्केट छोड़ के दूसरी मार्केट में अगर जाके बेचेगा तो क्या प्रॉब्लम होगा? मेरे घर लाके भाई। उसके बाद वहाँ से डिबेट, राजनीति डिबेट तो बहुत लगड़ी हो जाती है, बहुत देर तक किया मैंने, फिर वहाँ से चलाया क्योंकि मुझे पता है वहाँ डिबेट का कोई सीन नहीं था, उससे कोई मतलब निकलता नहीं, तो इसलिए मैं चलाया। और अब आ चुका हूँ मैं अपने बहुत फेमस इंसान सूरज भाई के पास। और सूरज भाई क्या हाल है? पेट वेट कुछ कम करो भाई, तुम ना खिलाई पिलाई पिलाई बहरे का भाई, पेट कम करो तो खिलाई पिलाई ज्यादा होगी, खिलाई तो समझ में आती है। जो कोल्ड ड्रिंक वोल्ड मेमोर पिज्जा चला है तगड़े से, पार्टी है भाई का बर्थडे। भाई बर्थडे हो क्या? नहीं बर्थडे भाई, झूठ का बोल रहे हो भाई, बोल के बर्थडे खिलाया, झूठ बोल के गर्लफ्रेंड देना, गर्लफ्रेंड के कारण में बोला कि बर्थडे है। अब बर्थडे नहीं था लेकिन बर्थडे हम लोग मनाए हैं भाई। यार भी जब बर्थडे है तो काहे झूठ बोल रहे हो भाई, भाई को हैप्पी बर्थडे। अरे नहीं है तो एडवांस में कर लो भाई, भाई हाथ भी नहीं मिला सकते भाई। हैप्पी बर्थडे, अब ट्रीट देंगे अभी, हैप्पी बर्थडे बोलवा। वाह दोबारा एक और बार बोलना सनी, नहीं दे सकते हो करने करने वाह, जो काट रही हो सनी, पप्पा को दिखाएंगे उधर धुआं वाली ले लो तेरा। हाँ यार
तो भाई इतना सब होने के बाद मौज मस्ती काट रहे हैं। और कपूरथला में शाम का मौसम तो बड़ा मस्त लग रहा है, देख लो भाई, एक तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है और जो मौसम है वो तो एकदम पाड़ू है। अरे अपने भाई की मुस्कान। और भाई अपना अब सूरज भाई गाएगा गाना। भाई सूरज भाई गाना गाओ। मेरे महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है, मुझे बस इज्जत ही इज्जत ही इज्जत ही मिली। ये गंदे गंदे सारे मतलब भगवान का गाना गा रहे हो, गंदे गंदे सारे मतलब। ये ताली है महाकाल की। अच्छा आप कैसे ताली बता रहे भाई दोबारा। महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है। और ये भाई अपना सिंगर है, और अगर किसी को इसको क्या करना हायर करना है तो बता दीजिएगा भाई, फ्री है। इज्जत ही मिली है। वो कौन सा गाना